If a man want to put a drop of blood in the ocean of the milk doesn't affect anything, it never change its color. But the drop of blood, it will disappear itself. It's the same like those who want to make a demand to the Dalai Lama, nothing. It is like a drop of blood, it disappears. But Dalai Lama will remain neat and clean like the ocean of the milk. So you go to that and then you will only understand what the Dalai Lama want to do, why Dalai Lama has given a such a high level of blessing to that boy. So this is the, what we want to make a clarification to the media, and I request you all that you only can help us, you only can make a, this clarification around the world. Where is that boy now? The boy is in India, to whom it is given blessing, that might be in, I don't know, it might be in Himachal Pradesh. Mm-hmm. But the virus who started vibrating, who make this ambushing, they was in China, in Tibet. This actually, there could be image film canvas up here. सो म्हाका लागता की एक मिडियांनी मातसो आमकां हेल्प केल्लो जाय, कित्याक आमी मिडियाचेर आमी खूब आभारी आसा की आमकां तुमी बरें कितें दाखयताच, कित्याक आमी सगळे भोंवनात हेडीक तेडीक, कित्याक तो पळय कितें प्रकरण पळय जाल्लो आसा पळय, तो मिडिया थ्रू आमकां हो सॉल्व करूंक शकता आमी हांगासर. आनी एक आमी हे पळय कोणी पळय सेलिब्रिटीज पळय आसा, एक ते कंगना रावत आनी गौहर खान, तेंच्यांनी पळय तेका पळय केल्ला न्हू हॅशटॅग विदाउट कितें, कोणी कोण एक स्टेटमेंट दिवपाक जाता पळय, कोणाकूय येवंक शकता, बट एक रॉंग स्टेटमेंट दिलो न्हू ते आख्खे कम्युनिटीक न्हू एक मार बसता. आनी हे पळय बुद्धिजम पळय आसा न्हू, हे ऑल ओवर द वर्ल्ड नोन फॉर द पीस आनी कंपॅशनक आमी हे करता नोन आसता पळय ते हेका. सो आमी एक मिडियाक आमी एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की प्लीज तुमी एक आमकां एक तुमचो एक बॅकबोन, तुमी एक आमचो बॅकबोन आसा आमच्या ऑडियन्सात ऑफ लोकांचो, नॉर्मल लोकांचो, की तुमकां आवाज, आमचो आवाज लोकां कडेन पावपाक, की हो पळय जे कितें जाल्लें आसा पळय दीस ऑर्डिनर सलनामाचेर चडसून, की तुमी ती पळय एक क्लिपींग केल्लो आसा आनी तो क्लिपींग केल्लो आसा की तो कट करून एडीट करून लोकांक प्रेजेंट केल्लो आसा. थंयसर पळय तेंच्यांनी इतकी 23rd ऑफ एप्रील फेब्रुवारी पळय जाल्ले आसा न्हू, 23rd कितें जाल्लो आसा पळय, तो पळय प्रकरण तेंच्यांनी आतां हायलायट केल्लो आसा. सो म्हाका लागता कितें न्हू, हेच्या फाटल्यान एक तर चायनाचो, कित्याक चायना तेच्या फाटल्यान पडलेले आसा की ती तेका ते मानून हे करूं सोदना, ते पळय कोण अपॉइंट करता न्हू ते हे करूं सोदना. सो म्हाका दिसता तेका ते पळय डिफेंड केल्लो आसा न्हू. जो अभी मीडिया फैला रहे हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं. वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया मैं आपको समझाऊं, क्योंकि हमारे जो मीडिया है VOA से ये पूरा फुल फिल्म दिखाया है, पर वो हमारा 28 फरवरी को निकला था, कॉलेज का स्टूडेंट था, 125 था, उनके पेरेंट्स जो बच्चे के साथ इंसिडेंट हुआ है वो उनका फैमिली, उनका परिवार वहां बैठे है, माँ बाप बैठे हैं, वो माँ बाप ने, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था ये, और उसके बाद ये VOA ने ये रिलीज किया था 28 फरवरी में, पर उसके बाद दो महीना मार्च खत्म हो गया, फरवरी 28 में हुआ, मार्च पूरा खत्म हुआ, उसके बाद अप्रैल आया, अप्रैल 15 से ये थोड़ा कंट्रोवर्सी चलने लगा, हमको भी नहीं मालूम था, और ये तो पुराना हो गया ना 1.5 महीने का, हमको पता नहीं था. फिर हमने NDTV में, CNN में, आज तक में सब में आया, ये BBC इंडिया का BBC में भी आया, सब आया था, हमने न्यूज देखा है, पर हमको एकदम शॉक हो गया कि ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं था, है ना, हमको शॉक हो गया. फिर हमने इधर उधर, हम लोग अपना एक यहाँ का एक प्रेसिडेंट के नाम से हमने हर जगह पे पता लगाया ये क्या चीज है, कैसे हुआ, कैसे लीक आउट हुआ, और ये जो गलत इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहे हैं. फिर ऐसा करके सबको धीरे धीरे पता लग गया, धीरे धीरे पता लग गया, तो हमारा धर्मशाला एक्सेल वाले साइबर है, वहां पे साइबर एक्सपर्ट है, उन लोगों ने पता लगाया, उन लोगों ने पता लगा कि उनको पता चला है ये जो है एक चाइना बॉय है जिसका नाम यिंग सुन है, उसने 1 अप्रैल मनाने के लिए वो छोटा सा पार्ट, उन्होंने कहा था सक माई टंग,
वो उसने लीक आउट कर दिया। हालांकि उनका कोई ऐसा एम नहीं है, क्योंकि हमारे टिबेटियन में टंग ऐसे करना ग्रीट करना है होता है,